है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल में। और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं SSC का स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के संबंध में ही मैं बताने जा रहा हूं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। हम क्लोज टेस्ट 10 नंबर का क्लोज टेस्ट जो पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर क्लोज टेस्ट ज़रूर कराइएगा। और ठीक है ना, तो अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट करें क्लोज टेस्ट के लिए। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मेहनत करना और समझाना आपको। ठीक है, क्लोज टेस्ट पहला क्लोज टेस्ट है ये, और देखिएगा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं सिंटेक्स, वो सिंटेक्स का पढ़ा दिया गया है आपको। MB पब्लिकेशन की बुक भी अपलोड हो रही है एक एक दिन अल्टरनेट करके, और क्लोज टेस्ट का भी मैं कंटिन्यू करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आज तो एक कोशिश कर लेते हैं। जब भी कभी हमें या आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना हो, तो सबसे पहली बात क्या आपको सीखनी है, सबसे पहली बात क्या आपको जाननी है, क्या चीज़ें आप करें ताकि आपका क्लोज टेस्ट सबसे अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, उसके लिए एक छोटी सी चीज़ें करनी है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है ताकि आप लोगों के क्लोज टेस्ट बेहतर ढंग से सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। आप 10 में से 8, नहीं 10 में से 10 नंबर पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए, फिर हमें मंजिल हासिल होगी और वो मुकाम हासिल होगा जो आप पाना चाहते हैं, मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है ना, तो चलिए उसी मज़े के लिए पढ़ने जा रहे हैं हम। और देखिएगा ये जो क्लोज टेस्ट है, पहले सबसे पहले क्लोज टेस्ट, किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की सबसे पहला फार्मूला होना क्या चाहिए, सबसे पहली जो जो तरीका है सबसे पहला वो क्या होना चाहिए कि पहले पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना चाहिए, और पैसेज को पढ़ने के बाद एक मीनिंग, एक सेंस निकल के आपके दिमाग में आएगा कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। और जब मालूम चल जाए आपका आपको कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, किसके बारे में इस पैसेज में चर्चा की गई है, किस ये पॉजिटिव सेंस में पैसेज जा रहा है या निगेटिव सेंस में पैसेज जा रहा है, ये सारी चीज़ें जिस दिन समझ में आ जाएंगी आपके क्लोज टेस्ट में नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे आएंगे आज मैं एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर हैज़ बीन एन इंटरनेशनल कंसर्न। चाइल्ड लेबर जो है, जो बाल श्रम है, वो रहा है इंटरनेशनल कंसर्न, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। बिकॉज, क्योंकि बाल श्रम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय क्यों रहा है, क्योंकि इट डैमेज, ये डैमेज कर देता है, स्पॉयल्स स्पॉयल कर देता है, एंड डिस्ट्रॉयज डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है भाई? द डैश ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का। अब देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब आप बताओ भैया कि हमें बताना आप कि क्या चीज़, जो बाल श्रम है वो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देता है, कि बच्चों का नेचर बर्बाद कर देता है, कि बच्चों का अपेचर बर्बाद कर देता है, कि नर्चर बर्बाद कर देता है। अपेचर का मतलब छिद्र होता है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। लोग बाल श्रम करने लगते हैं, 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, होटलों में काम करने के लिए लगा देते हैं, जो कि बाल श्रम के अंतर्गत आता है, तो उसे नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना। इट डैमेज, ये डैमेज कर देता है, स्पॉयल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बच्चों के फ्यूचर को, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं भाई, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, बच्चों का फ्यूचर तहस नहस हो जाता है बाल श्रम अगर हो जहाँ पे भी होता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका है फ्यूचर, और यहाँ जो होगा वो फ्यूचर सही होगा। तो क्या हो जाएगा कि जो बाल श्रम है वो डैमेज कर देता है, वो स्पॉयल कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो बर्बाद कर देता है बच्चों के फ्यूचर को। ठीक है, तो बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो जाते हैं, वहाँ से लड़कों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे की प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम होती है, जो बाल श्रम की प्रॉब्लम होती है, इज डैश मैटर, इज ये कैसा मैटर है ये? अब आप बताओ बाल श्रम की जो प्रॉब्लम है वो कैसा मैटर है? हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम पढ़ेंगे तो फुल स्टॉप से लेकर के फुल स्टॉप तक की बात को पढ़ेंगे। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, आधा पढ़ करके
वाहवाही लूटने के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके मत एग्जाम में आइएगा। होता क्या है कि आधा पढ़े लग गया कि यही वाला होगा, और ये जो लगने वाला कीड़ा है ना वो सबसे खराब होता है। हमें ऑप्शन को कट करके लगाना है। हमने बताया नेचर नहीं होगा क्योंकि बच्चे का नेचर नहीं बर्बाद होता है, नर्चर नहीं बर्बाद होता है, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए फ्यूचर सही होगा। सेम इसी तरीके से द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम का प्रॉब्लम है, वो कैसा मैटर है। अभी हम पढ़ते हैं, मेयर का मतलब केवल होता है, सीरियस मैटर है, रेयर मैटर है, बहुत कम दिखने में आता है, क्यूरियस मैटर है, उत्सुक वाला मैटर है, उत्सुक होता है, क्यूरियस का मतलब, ठीक है, उत्सुकता, उत्सुक होता है। अब आप बताओ, आप बताने से पहले क्या करोगे, कहोगे कि हमें पूरे फुल स्टॉप से फुल स्टॉप की लाइन को पढ़ना है, या कॉमा तक लगा है तो वहाँ कॉमा तक पढ़ना है, ठीक है। द चाइल्ड लेबर, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है वो कैसा मैटर है, नॉट ओनली इन इंडिया, केवल भारत में ही नहीं, ना केवल भारत में, बट आल्सो इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज, बल्कि और विकसित देशों में भी, ना केवल भारत में ये एक समस्या खड़ी कर रहा है, बल्कि जितने भी विकसित, वो सॉरी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होता तो विकसित देश होता, ठीक है, जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मैटर है, एक केवल मैटर है, एक सीरियस मैटर है, रेयर मैटर है, बहुत कम दिखने में आता है, क्यूरियस मैटर है। तो आप बता देंगे कि भाई ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, कहते हैं ना बहुत सीरियस मैटर है, मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। अब ये सीरियस मैटर हो गया, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा और हो जाएगा सीरियस। ये एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम में पूछा गया, ये है क्लोज क्लोज टेस्ट, हल्के में नहीं लीजिएगा कि ऐसा ही सॉल्व करा दिया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं, थ्री देखते हैं। तो हमारा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ है और फिल करना है, हम यहाँ तक पढ़ चुके। फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन होगा, लोगों का, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, एक सीरियस मैटर है, ना केवल भारत में, बट आल्सो इन डेवलपिंग कंट्रीज, बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी, ठीक है, बात समझ में आ गई। इट इज ए ग्रेट डैश प्रॉब्लम, ये कैसी प्रॉब्लम है। देखिए फुल स्टॉप से फुल स्टॉप की बात को पढ़िएगा, मेरी इस बात को कभी मत भूलिएगा, वरना क्लोज टेस्ट आप गलत करके चले जाएंगे एग्जाम में, आसान से आसान, ठीक है। धीरे धीरे एनर्जी मेरे में आ रही है पढ़ाने के लिए, अब एकदम रेगुलर होने वाले हैं हम भाई, ठीक, कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जा रही है, हो है क्या ऐसा, आप बोलोगे नहीं। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी नहीं है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये कोई राजनैतिक समस्या है क्या, चाइल्ड लेबर कोई राजनैतिक समस्या आ गई क्या, या सोशल प्रॉब्लम है, ये एक सामाजिक समस्या है कि बच्चों जो समाज में हमारी कुरीतियां हैं, जैसे कि बाल श्रम, जैसे कि दहेज प्रथा, ठीक है, ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सोशल हो जाएगा। पॉलिटिकल, यहाँ राजनीतिक समस्या की बात कहीं कर रहा है क्या, इकोनॉमिक समस्या की बात कहीं कर रहा है क्या, थ्योरेटिकल समस्या की बात कर रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं कर रहा है। ये बाल श्रम एक सामाजिक कुप्रथा है जिसे दूर करना है, ठीक है, ये सोशल की बात कर रहा है यहाँ पर समाज में, ठीक। अब आगे बढ़िएगा, अब आगे बढ़िएगा, जल्दी से आगे बढ़ करके क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं, ठीक है, चौथा देखिएगा। आइए चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है। एट देयर आर मिलियंस डैश चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, मिलियन चिल्ड्रन है हमारी कंट्रीज में, हमारी कंट्री में, ठीक है, Who have never known a normal carefree childhood? ठीक, आगे क्या है, At there are millions dash children. कैसे children? क्या ये deprived children है? Reprieve का मतलब होता है कि कोई अपराध आपने किया और उसके लिए आपको उसके सजा को डिले कर दिया जा रहा है, तो उसे reprieve बोलते हैं। रिप्राइव करना का मतलब होता है कि कोई पनिशमेंट मिली है, उस पनिशमेंट को कहा गया भाई थोड़ी देर बाद देंगे आपको, आपको कोई पनिशमेंट मिली उसमें डिले हो रहा है, वो रिप्राइव होता है। डेराइव करते हैं फॉर्मूला, ये क्राइड जो है वो क्राई की थर्ड फॉर्म है, और डिप्राइव का मतलब वंचित लोग,
डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से वंचित हो जाना, आपको डिप्राइव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज बताया गया होगा जब हम एमबी पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करा रहे थे तो, ठीक है, यहाँ से डिप्राइव, लेकिन यहाँ पर तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है कि ये कैसे बच्चे हैं, ये गरीब शोषित और पिछड़ा वर्ग है, ये वंचित वर्ग है जिसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ये वैसे बच्चे हैं। इन मेनी केसेस तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, देयर आर मिलियंस डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, मिलियंस डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, वंचित चिल्ड्रन है इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में, ठीक है, हु हैव नेवर नोन, जिन्होंने कभी नहीं जाना है एक नॉर्मल लाइफ को, एक केयर फ्री का मतलब चिंता मुक्त चाइल्डहुड, बचपन को, जब लोगों के कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लोगों के कंधे पर कोई चिंता नहीं होती है, लोगों के कंधे पर कोई मजबूरी नहीं होती है, ठीक है, लोगों के दिमाग में, वैसे जीवन को जीने में बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ढेर सारे जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने नहीं जाना है कि नॉर्मल लाइफ कैसी होती है, चिंता मुक्त जीवन, चिंता मुक्त बचपन कैसा होता है, ठीक है। वीडियो समझ में आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जाके शेयर कर दो भाई, शेयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने बता दिया यहाँ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है ना, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, आगे देखते हैं, द लॉ ऑफ इंडिया, ये जो भारत का कानून है सेज, वो क्या कहता है, आइए देखते हैं कि हमारे भारत का कानून कहता क्या है, वो कहता है दैट कि एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा बिलो द एज ऑफ 14, वो जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, ऐसा कोई भी बच्चा, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, उससे कोई श्रम नहीं कराया जा सकता, उससे काम पर नहीं लगाया जा सकता है, आइदर इन ए फैक्ट्री, या तो चाहे फैक्ट्री में या ऑफिस में या रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट ऑफिस और फैक्ट्री, किसी भी कहीं भी 14 साल से कम के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता है, ऐसा हमारे भारत का कानून कहता है, ठीक। इनफैक्ट वास्तव में इंडियाज इंटरनेशनल बिजनेस, भारत का जो इंटरनेशनल, इंडियाज इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ बीन यूज्ड इन सम स्टेज और द अदर इन मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट, has been severely dashed in many cases. India's international business, कॉमा से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और कॉमा तक पढ़ लीजिए, India's international business has been severely dashed in many cases because child labor's dash human rights have been used in some stage or the other manufacturing, packaging, a transport of those items. ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्राइव हो गया और हम थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। चलिए ये रहा, हाँ आगे देखिएगा, जल्दी से पढ़िए, इंडियाज इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ बीन सीवियरली इफेक्टेड, इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना, इफेक्ट जब वर्ब होती है भाई बहनों तो इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन लाना, रूइंड बर्बाद हो जाना होता है, अफेक्टेड प्रभाव डालना, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का होता है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट का मतलब प्रदर्शित करना भी होता है। अब देखिएगा इंडियाज इंटरनेशनल बिजनेस जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो भारत का, ठीक है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना, इफेक्ट एक प्रकार की वर्ब है, इफेक्ट का मतलब एक तो होता है प्रभाव, इफेक्ट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना या परिवर्तन करना, तो इफेक्ट तो होगा नहीं, इफेक्टेड लिखा हुआ है, ये वर्ब है और परिवर्तन लाने की बात तो कर नहीं रहा है, यहाँ इंडिया का इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो प्रभावित होने की बात कर रहा है, इसलिए अफेक्टेड होगा, ठीक है, हैव बीन सीवियरली अफेक्टेड इन मेनी केसेस,
बिकॉज चाइल्ड लेबर्स डैश ह्यूमन राइट्स हैव बीन यूज इन सम स्टेट्स. बिकॉज चाइल्ड लेबर्स और कैसा ह्यूमन राइट्स, बाल श्रम और कौन सा मानवाधिकार. प्रिजर्विंग, प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना होता है भाई. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संरक्षित करना. ठीक है, अब बताइए आप संरक्षित करने की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर. वायलेट ह्यूमन राइट्स, या ह्यूमन राइट के वायलेशन की बात कर रहा है, मानवाधिकार के उल्लंघन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे मानवाधिकार के उल्लंघन की बात हो रही है, और मानवाधिकार के उल्लंघन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, कैसा ह्यूमन राइट्स, प्रिजर्विंग संरक्षित मानवाधिकार. ठीक है, बाल श्रम के बारे में क्या कहा जाएगा, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है अगर बाल श्रम कराया जा रहा है या संरक्षण दिया जा रहा है. ये अप्रिसिएटिंग ह्यूमन राइट्स, ये बाल श्रम जो है वो ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे रहा है और कॉम्प्लीमेंट उसे मिल रहा है. या कंजर्विंग, बताइए क्या हो जाएगा. आप बोलेंगे कि वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, क्यों क्यों होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ. देखिएगा, चाइल्ड लेबर्स के बाद कॉमा लगा है, कॉमा लगा है इसका मतलब दो सेम बातें कही जा रही हैं. चाइल्ड लेबर अगर निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव सेंस निकल के आ रहा है बाल श्रम, तो यहाँ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ही हो रहा है. अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ बट या किसी अदर अपोजिट कंजंक्शन से इसको जोड़ा गया होता. ध्यान से सुनिएगा इसे. हैव बीन यूज इन सम स्टेज और अदर इन मैन्युफैक्चरिंग. आगे देखते हैं. पैकेजिंग ए ट्रांसपोर्ट ऑफ दोज आइटम्स, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ दोज आइटम्स हो गया. इतना हम आते हैं कहाँ, सातवें पे. अच्छा, हैव बीन यूज इन इतना स्टेज, हाँ, एंड इन लार्ज डैश ऑफ केसेज, एंड इन लार्ज डैश ऑफ केसेज एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स कॉमा प्रॉन एंड सेवरल अदर आइटम्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन डैश. आगे डैश डैश डैश, हम जब ज़्यादा मिलने लगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. देखिएगा, ज़्यादा मिलने लगेगा मतलब जब ज़्यादा ब्लैंक मिलने लगे तब की बात कर रहे हैं. इन डैश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ केसेज होगा, वैसे भी ऐसे लार्ज सिस्टम ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, तो आप जानते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ होता है. ठीक है, आसानी से ये फिल हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ केसेज ऑफ एक्सपोर्ट और रेडीमेड गारमेंट प्रॉन एंड सेवरल अदर आइटम फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन डैश ऑन ग्राउंड. अब पढ़ते हैं आठवां, अब जाके पढ़ते हैं क्या आठवां, हम सॉल्व कर ले गए. देखिए भाई, सात तो हो गया, आठवें पे आ गए हम. जल्दी से सॉल्व कर लीजिए भाई. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग. ठीक है, वीडियोज़ इधर मिलेंगी आप लोगों को. अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एमबी की बुक सॉल्व करते रहिए, जितना सॉल्व कराया गया है उसे रिवाइज करते रहिए. डैश ऑन ग्राउंड्स ऑफ चिल्ड्रन लेबर यूज बीइंग यूज्ड, ऐसा देखिए. आइटम फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन डैश, हैज़ बीन डिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, निगलेक्टेड या रिजेक्टेड. देखिएगा, पहले इसको पढ़ते तो हैं, पहले इसे पढ़ना पड़ेगा पूरे लाइन को. एक मिनट, मैं ऊपर कर लूँ इसे, फिर पढ़ते हैं. देखिएगा, पहले पढ़ते हैं. देखिएगा, रेडीमेड गारमेंट्स एंड सेवरल अदर आइटम्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन डैश ऑन ग्राउंड्स ऑफ लेबर, चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड. यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेज, बहुत अधिक केसेज में ऐसा क्या, ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स के जो एक्सपोर्ट हैं उसमें अधिकांश संख्या में, अधिकांश केसेज में हैज़ बीन क्या ऑन ग्राउंड्स, किसके आधार पर चाइल्ड लेबर हो रहा है, इस आधार पर वहाँ पर क्या हो जाता है वो चीज़ें. आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, आठवां हम सॉल्व कर रहे हैं ना, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा भाई, सॉरी. वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, डिजेक्ट, निगलेक्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना. यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, रिजेक्ट होगा. अगर नहीं समझ में आएगा भाई, एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ जरूर लेना आप. ठीक है, आइटम्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन रिजेक्टेड, वो कई आइटम्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं.
ऑन ग्राउंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ग्राउंड्स का मतलब आधार होता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड वहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता है आधार पर। ट्रूली स्पीकिंग चाइल्ड लेबर इज डैश यूटिलाइज्ड इन इंडिया, चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में रेयरली ऐसा होता है। इंडिया इन वेरियस प्लेसेज ऑफ प्रोडक्शन सर्विस स्मॉल स्केल बिल्डिंग में चाइल्ड लेबर इंडिया में है अभी, ठीक है। लोगों को यहाँ क्या कह रहा है, एक मिनट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रेस्टोरेंट सर्विस डोमेस्टिक शॉपकीपर शॉपकीपर्स असिस्टेंट स्टोन ब्रेकिंग, यहाँ पर क्या है कि चीज़ें ऐसी कराई जाती हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो कि गलत है चीज़ें करा ऐसा करना, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंटली हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंटली क्या होगा, नौ में, नाइन में भरेंगे ट्रूली स्पीकिंग चाइल्ड लेबर जो है वो फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन इंडिया इन वेरियस प्लेसेज में, ऐसा है अभी जहाँ बच्चों से काम कराया जाता है जिनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, जो कि गलत है। अगर बच्चों से काम कराया जाता है तो ऑफ प्रोडक्शन सर्विस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रेस्टोरेंट सर्विस डोमेस्टिक एड शॉपकीपर्स असिस्टेंट स्टोन ब्रेकिंग बुक बाइंडिंग, ठीक है। रेयरली का मतलब कभी कहीं कहीं ऐसा होता है, श्योरली का मतलब एकदम पक्की बात कही जा रही है आपसे कहा जा रहा है, इंस्टेंटली का मतलब उदाहरण के तौर पे एक तरीके से कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है भाई, हाँ फ्रिक्वेंटली हो जाएगा, है ना, अक्सर फ्रिक्वेंटली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन फैक्ट इन डैश हाउस होल्ड इंडस्ट्री आल्सो, कहाँ पर श्रम बाल श्रम कराया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाल श्रम जो है वो अक्सर ऐसा देखा जाता है। फ्रिक्वेंटली क्यों यूज हुआ वहाँ पर, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट में बाल श्रम देखा जाता है, अक्सर शॉपकीपर्स असिस्टेंट के रूप में बाल श्रम देखा जाता है, ठीक है। शॉप पर लोगों से काम करवाया जाता है, स्टोन ब्रेकिंग कराई जाती है, इन सब चीज़ों में। इनफैक्ट एवरी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, इनफैक्ट ईच हाउस होल्ड, देखिए मुँह से निकल गया एवरी, ईच हाउस होल्ड या एवरी हाउस होल्ड, नो हाउस होल्ड या मोर हाउस होल्ड, तो एवरी प्रत्येक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। एवरी का यूज दो से अधिक के लिए, वो दो से अधिक के लिए होता है, जबकि ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब ढेर सारी चीज़ें हों और ईच एवरी का ऑप्शन हो तो हम एवरी पर ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि ढेर सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनमें से प्रत्येक की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि ईच का यूज जो है वो दो के लिए भी किया जाता है और दो से अधिक के लिए भी किया जाता है, जबकि जो एवरी का यूज है वो केवल और केवल दो के लिए किया जाता है, केवल और केवल दो से अधिक के लिए किया जाता है, दो के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एवरी का यूज दो के लिए नहीं करते हैं, ईच एवरी में से दोनों में से चुनने को आएगा तो हम एवरी ही यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि ढेर सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं और दो से अधिक के लिए हम एवरी का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर फिर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एवरी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आल्सो, कई हाउस होल्ड, प्रत्येक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है, बाल श्रम जो है के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ बाल श्रम कराया जाता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ करके सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें तो आने वाले समय में आपके क्लोज टेस्ट के सही होने के चांसेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।